गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल लर्न अबाउट द लेसन 6, फूड एंड हेल्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड एंड हेल्थ के बारे में। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, थर्ड इज वाटर, फोर्थ इज बैलेंस्ड डाइट, फिफ्थ इज रॉ फूड, सिक्स इज कुक्ड फूड एंड सेवन इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। राघव, आई वेंट अ सुपर मार्केट विद माई मदर लास्ट वीक। मैं लास्ट वीक में सुपर मार्केट गया था। सी बॉट ऑल द ग्रोसरीज नीडेड, जहाँ पे हमने सारी ग्रोसरीज जो हमको ज़रूरत थी वो खरीदी थी। देन रहीम सेज, व्हाट डिड सी बाय इन ग्रेटर क्वांटिटी? रहीम सेज, व्हाट ऐसा तुमने बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्या ख़रीदा? राघव, सी बॉट मोर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड राइस। तो उन्होंने क्या किया कि फ्लोर और राइस जो था वो बड़ी मात्रा में उन्होंने ख़रीदा। रहीम सेज, वी नीड मोर ऑफ चपातीज एंड राइस इन अवर डाइट इज एंड नॉट ईट। मीन्स हमें, हम लोग को क्या होता है कि अधिक मात्रा में चपाती और राइस हमारी डाइट में यूज़ होता है, हमको इस की नहीं होता है। लिखा इज़ नॉट नीड इट, है ना, कि नहीं होता है। राघव, यस, राघव ने बोला हाँ, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो हमारी चपाती और राइस होता है वो हमें बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराता है फ्रॉम दिस फूड स्टफ, मतलब इस फूड के ज़रिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट अदर फूड स्टफ दैट प्रोवाइड एनर्जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज़ न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। लिविंग थिंग्स को क्या होता है कि फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। और लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? जो कि चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सांस ले सकते हैं आपकी तरह। तो ऐसे थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स कहलाती हैं वो, चाहे हम लोग हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों। ओके, सबको फूड की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है जिससे कि वो अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, मतलब कर पाते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट। और ये जो एनर्जी होती है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड से मिलती है। मीन्स हम लोग जब डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं तब हमें ये एनर्जी मिलती है। सम फूड कैन बी ईटन रॉ वाइल अदर्स कैन बी कुक्ड और ईटन। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि आप लोग कच्चे खा लेते हो, जैसे कि बहुत सी सब्जियां ऐसी होती जो आप लोग कच्ची खा लेते हो, जैसे कि गाजर हुआ, मूली हुआ, है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग कच्ची भी खा सकते हो। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको आप लोग पका कर खाते हो। तो बहुत सा अंतर है। मीन्स न्यूट्रिएंट्स हमारे उस कच्ची सब्जी में भी होते हैं और पका कर खाने में भी होते हैं। तो सबका एक अपना अपना अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड में क्या होता है? एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, दैट कीप अवर बॉडी हेल्दी। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हेल्दी बनाए रखते हैं। मीन्स न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं? अलग अलग फूड्स से, जैसे कि आप लोग क्या क्या खाते हो? फूड्स, वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स खाते हो, हर तरह की अलग अलग खाने में अलग अलग तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दैट कीप अवर बॉडी हेल्दी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। मीन्स अगर आप सही तरह का खाना खाते हो, हर तरह का खाना खाते हो, तो आपके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं ताकि उससे आपकी हेल्थ बनी रहे। डिफरेंट फूड गिव अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और अलग अलग तरह के खाना जो होता है वो हमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। वी नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड। हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग तरह का हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत होती है।
जिससे कि टू गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। और अगर हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं वो मिल जाते हैं। ओके, इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ओके, नाउ टुडेज योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर विद दिस वीडियो। बेटा आप इस चैप्टर को रीड करोगे बट इस वीडियो के ज़रिए। और आप लोग जितने भी वीडियो देखते हो हमें सबके व्यूज़ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो व्यूज़ आपके आपका जो वीडियो देखना है वो कंपलसरी है, और इसलिए हमें इस वीडियो को देख कर ही चैप्टर को समझना है। ओके, थैंक यू।